आज फिलॉसफी ना पढ़कर आज हम लोग पढ़ते हैं कि फिलॉसफी हम लोग को पढ़नी कैसे चाहिए। तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, पहले उसके पहले हम लोग को ये क्लियर होना चाहिए हमारी मिस्टेक्स क्या होती हैं, हम क्या क्या गलतियां करते हैं ओरिजिनल पढ़ते समय, ठीक है। जिसमें से हम लोग का जो तीसरा पॉइंट है वो कैसा है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको बहुत ध्यान से सुनना। और चौथा पॉइंट जो है हमारा सबसे कॉमन मिस्टेक है जो हम सभी लोग करते हैं। तो हम लोग की पहली मिस्टेक होती है कि जब भी हम लोग फिलॉसफी पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि ये हमें पूरा याद हो जाए, हम पूरा इसे लर्न कर लें और हम इसको पूरा एक ही बार में कंप्लीट कर लें, ठीक है। ये सबसे कॉमन है कि हम ये सोचते हैं कि अच्छा जो हम पढ़ रहे हैं हमें ये याद हो जाए, तो ये कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर एक बार में कोशिश कर लिया, तुमने बहुत मेहनत की, 1.5 घंटा लगाया अपना, 2 घंटे वेस्ट किए पूरे तरीके से, आज हमने सोचा 4 पन्ने पढ़ने, मैंने पूरा 4 पन्ने पढ़ा, तो पढ़ लोगे तो तुम्हें उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा और समझने में दिक्कत होगी और कनेक्शन लॉस होने लगता है फिलॉसफी पढ़ते समय। फिर शुरू को ऐसा लगता है यार 2 पेज में ये लिखा था, 3रे पेज में ये लिखा, 4थे पेज में ये लिखा, पता नहीं क्या खिचड़ी पक गई दिमाग की। ये पहली कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि पूरा उसे पढ़ लें और उसे पूरा याद कर लें, और अगर किसी भी तरीके से ये कंप्लीट कर लिया टास्क, फिर कन्फ्यूजन और कनेक्शन लॉस होने लगता है, पूरे चैप्टर का रिलेशन लॉस होने लगता है। दूसरा कन्फ्यूजन, दूसरा हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि हमेशा ये जज करने बैठ जाते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। किसी भी फिलॉसफी पढ़ने बैठेंगे तो ये सोचते हैं यार ये चीज़ सही लिखी गई है या चीज़ गलत लिखी गई है। तो कभी भी फिलॉसफी पढ़ते समय ये जज मत करो सही क्या है गलत क्या है। सही गलत जो सबसे राइट बुक है वो तो ओरिजिनल ही है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाएंगी, ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर होने लगेंगे जब 4, 5, 6 चैप्टर कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। तो कभी भी स्टडी के बीच में ये नहीं सोचना कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि जहां सही गलत का फैसला करना शुरू किया दिमाग तुरंत वहीं ब्लॉक हो जाएगा, आगे समझ में आना बंद हो जाएगा। और जो हम लोग तीसरी सबसे कॉमन मिस्टेक है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कभी भी फिलॉसफी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना चाहिए हम लोगों को कि एग्ज़ाम में हमें करके आना है, एग्ज़ाम के लिए मटेरियल बहुत हो जाएगा अगर फिलॉसफी पूरी पढ़ ली अच्छे से। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं पढ़ना, अच्छा एग्ज़ाम में ये आता है तो लॉ ये चैप्टर खोला हमने कैंडी फिलॉसफी का, अच्छा सिंपल सबस्टेंस पूछा गया, सिंपल सबस्टेंस पढ़ लेते हैं, तो वो कभी तुम्हें फ्रूटफुल नहीं रहेगा, वो कभी फ़ायदा नहीं करेगा और ना एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगा। फिर वही होता है लास्ट टाइम जुगाड़, किसी के नोट्स मांग लिए, एक दास उठा लिए, उठा के छाप के चले आए। तो उससे बचना है तो हमेशा अवॉइड करो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की। और जो सबसे कॉमन है जो हम लोग करते ही करते हैं, किसी दिन सोच के बैठे कि यार कल से हम 1 घंटे ये पढ़ेंगे और पढ़ने से पहले ये सोच ले लाओ पेज गिन लेते हैं कितने हैं। अगर तुमने पेज गिने 8 पेज, 10 पेज, 6 पेज, तो वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये चारों मिस्टेक को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कैसे फिलॉसफी के, इसके सोल्यूशन पे बात करते हैं, वो चीज़ें हम लोग की गलतियाँ क्या है हमने पहले उसको डिस्कस किया, इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो जब भी फिलॉसफी पढ़ो चाहे कोई भी चैप्टर उठाओ, हमेशा उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दो। जैसे हम लोगों ने अभी लास्ट लेक्चर किया था द सिख का, तो उसमें 2 पार्ट में उसको डिवाइड करो। कैसे, जैसे कि होम्योपैथिक और एलोपैथिक के बीच के डिफरेंसेस हमने कंडीशन ने डिस्कस किए हैं, उसके बाद सिख क्या होता है ये डिस्कस किया है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, उसके बाद लास्ट में जाकर कंक्लूजन पर कंडीशन ले गए हैं। तो हमेशा क्या, जैसे पहले चैप्टर को ब्रेक कर दिया, ओके डिफरेंसेस पढ़ने हैं हमें होम्योपैथिक एलोपैथिक के, सिख कौन होता है ये पढ़ना है और उसके एग्जाम्पल पढ़ने हैं, तो पढ़ने में आसानी होगी। तो हमेशा जो भी चैप्टर पढ़ो हमेशा उस चैप्टर को ब्रेक कर दो छोटे छोटे पार्ट में। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा हो उसे कैसे पता होगा हमें कैसे ब्रेक करना है, तो उसके लिए बात तुम्हारे कॉलेज के सीनियर होते हैं, स्टडी मटेरियल होंगे, ऑनलाइन लेक्चर मिल जाएंगे, कहीं से भी एटलीस्ट ऐसे पढ़ो कि उसको ब्रेक करो। अगर ब्रेक कर दिया तो पढ़ने में आसानी होगी, तुम्हें समझ में आ गया यार शुरू के 2-3 पेज में ना थोड़ा सा कंपैरिजन का है, तो जब 2-3 पेज पढ़ोगे तुम्हें कंपेयर मिलेगा, तुम्हारे दिमाग में चीज़ें रहेंगी, ठीक है। फिर तुमने उस दिन बंद कर दिया, अगले दिन तुमने पढ़ना शुरू किया लॉ सिख पढ़ लेते हैं, सिख पढ़ना शुरू किया, उसे एग्जाम्पल एक साथ कंप्लीट करिए, तो 2 से 3 दिन में तुम्हारा फिलॉसफी का एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, तो तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। और
पहला सोल्यूशन ये है कि हमेशा ब्रेक करो, दूसरा सोल्यूशन ये है कि फिलॉसफी पढ़ने के साथ में हमेशा ऑर्गेनन की बुक साथ में रख के पढ़नी होती है, कभी ये नहीं कर सकते कि ऑर्गेनन स्किप कर दिए, क्योंकि जहाँ भी अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ होना शुरू हुई ऑर्गेनन तुरंत करेक्ट कर देगा उस चीज़ को। जहाँ भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे किंटेसन ने कुछ लिखा या फिर स्टुअर्ट क्लॉसर ने कुछ लिखा और हम कुछ और समझ बैठे तो सही है गलत है इस कन्फ्यूजन में अटके रह सकते हैं, तो ऑर्गेनन में जो है वही सही है, बाकी तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, वो सब स्टडी करके राइट ऑफ कर देना है, बाकी जो हम लोग के काम की चीज़ें हैं उसे समझ लेनी है अच्छे से। तो हमेशा फिलॉसफी पढ़ने से पहले हमेशा उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दो, ऑर्गेनन को साथ में लेकर पढ़ो, और कभी भी पढ़ो तो एटलीस्ट 2 से 3 लोग मिल के पढ़ो। जैसे कहीं सबने मिलकर लेक्चर, तो मान लो 3 लोगों का ग्रुप था, ठीक है, सबने कहीं से लेक्चर मिला किसी भी फिलॉसफी का, उसको समझा, तो तीनों के अंडरस्टैंडिंग हमेशा अलग होगी, तीनों ने थोड़ा थोड़ा समझा, पहले ने कुछ समझा, सेकंड ने कुछ समझा, थर्ड ने कुछ समझा। फिर जब तुम फिलॉसफी पढ़ने बैठो तो डिवाइड कर लो, या पहला पैराग्राफ तुम पढ़ के हमें समझाना, सेकंड हम पढ़ के समझाएंगे, थर्ड पर्सन तीसरा पढ़ के समझाएगा, तो जब 3 लोगों के 4 लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपस में मैच करेगा तब जाके वो क्लियर भी हो जाएगा और बोरिंग भी नहीं होगा कभी फिलॉसफी पढ़ने में। तो 2 से 3 लोग एटलीस्ट मिल के पढ़ो कि पहला पैराग्राफ कर दिया फिर डिवाइड कर दिया, सेकंड पर्सन ने सेकंड पैराग्राफ पढ़ा, उसका ट्रांसलेशन किया, उसे समझाया उसने क्या समझा, फिर तीसरे पर्सन ने किया, तुमने एक लेक्चर भी कर रखा है, जब 3 से 4 जगह चीज़ें सुनोगे उसके बाद फिलॉसफी पढ़ने बैठोगे हम गारंटी देते हैं 100% फिलॉसफी समझ में आएगी। ठीक है, आज का बस इतना है।